दृश्यम 2 मूवी ने अपने 12 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन किया है 154.49 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, दृश्यम 2 मूवी ने अपने 12 ही दिनों में 150 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पे क्रॉस कर लिया है। इंडिया से नेट कलेक्शन इसने अपने 12 दिनों में 154.49 करोड़ का बिजनेस किया है इंडिया से नेट। तो दोस्तों, दृश्यम 2 मूवी लाइफ टाइम कितना कलेक्शन करेगी, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, अब दृश्यम 2 जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपनी रफ्तार बनाए हुए है, नेक्स्ट वीक मूवी आ रही है 2 दिसंबर को आयुष्मान खुराना के एन एक्शन हीरो। तो इस मूवी का भी बस इतना है नहीं है, दृश्यम 2 को तो इस मूवी से कोई खतरा नहीं है क्योंकि दृश्यम 2 ने तो अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। हाँ, आयुष्मान खुराना की मूवी को दृश्यम 2 से खतरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दृश्यम 2 का बस इतना बना हुआ है, अगर आयुष्मान खुराना की जो मूवी आ रही है एन एक्शन हीरो, अगर इसके फर्स्ट डे रिव्यू अगर निगेटिव आए, अगर ये मूवी ऑडियंस को पसंद नहीं आई, तो ये मूवी के सारे ही शो दूसरे दिन दृश्यम 2 को दे दिए जाएंगे क्योंकि दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पे अपनी रफ्तार बनाए हुए है। और स्लोली स्लोली ही सही, लेकिन दृश्यम 2 मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा इंडिया से नेट कलेक्शन में पार कर लेगी। दोस्तों, तो अवतार 2 रिलीज होने तक दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पे राज करेगी और 200 करोड़ का जो आंकड़ा है इंडिया नेट कलेक्शन में, ये भी क्रॉस कर लेगी। दृश्यम 2 मूवी को अवतार 2 रिलीज होने तक कोई खतरा नहीं है, बॉक्स ऑफिस पे दृश्यम 2 ही चलेगी। एंड जो आयुष्मान खुराना की मूवी आ रही है एन एक्शन हीरो, तो उसका भी बस इतना नहीं है, तो दृश्यम 2 जैसी मूवी को तो इस मूवी से कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, आयुष्मान खुराना की मूवी पे दृश्यम 2 भारी पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एन एक्शन हीरो दृश्यम 2 पे भारी नहीं पड़ सकती है। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या होता है। ऑडियंस एक बार जिस फिल्म को देखने का मन बना लेती है तो उस फिल्म को वो सुपर हिट बना के रहती है, तो जो भी है ऑडियंस ही है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।